राजधानी दिल्ली के कंजावला में आज से एक साल पहले जगदाचार्य श्री गौरी शंकराचार्य जी द्वारा श्री पशुपति अखाड़े का भव्य शिलान्यास किया गया था, जिसमें दिल्ली से लेकर कई राज्यों के साधु संत महामंडलेश्वर आदि उपस्थित हुए। आपको बता दें कि इस शिलान्यास में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय सचिव जियालाल अपने कई साथियों के साथ उपस्थित हुए थे। ठीक एक साल बाद जब निर्माणाधीन श्री पशुपति अखाड़ा बनकर आधा तैयार हो गया तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों, महिलाएं, साधु संतों और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जियालाल सहित कई कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए। सभी ने श्री गौरी शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लिया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए श्री गौरी शंकराचार्य जी ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। वही गौरी शंकराचार्य जी ने बताया कि हमारे श्री पशुपति अखाड़े की ये पांचवी ब्रांच है। इस अखाड़े में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि देश का हर युवा हमारे इस अखाड़े में आए और धर्म की शिक्षा ले। हम इस अखाड़े में दो फ्लोर में गुरुकुल बनाएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। वही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि इस अखाड़े में एक साल पहले भी आया था। मैं मानता हूँ कि इस तरह के अखाड़े की शुरुआत हमारे देश में जगह जगह हो गई तो हमारे देश के युवा कभी नहीं भटकेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि श्री गौरी शंकराचार्य जी इस अखाड़े के दो फ्लोर में गुरुकुल की भी शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और क्या कुछ कहा आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। हम पहले एक साल पहले यहाँ पर पशुपति अखाड़े का भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर हम लोग आए थे और हमारे सभी लोग यहाँ पर एकत्रित थे और आज हमें दोबारा यहाँ पर आने का मौका मिला जिसमें सभी संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं और मैं सभी लोगों संत महात्माओं का भी धन्यवाद करता हूँ और हम लोगों का। हमने भी कई बार संत महात्माओं को दिल्ली बुलाया, पर हमारे मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री हमारे जो हैं पशुपति पारे जी, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो फूड प्रोसेस मंत्री थे जिनका नाम पशुपति पारे जी था, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए थे और भूमि पूजन हम लोगों ने किया था। मगर इत्तफाक की बात ये रही कि जो ये पशुपति जो अखाड़े के नाम से जो पूरी हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने जो नींव रखी, आज मेरे ख्याल से 6-7 स्टेटों के अंदर ये पशुपति अखाड़ा काम कर रहा है और हम समय समय पर जब हमें याद करते हैं पशुपति महामंडलेश्वर जी, हमारे आदित्य पशुपति जी हैं, जब जब हमें याद करते हैं हम लोग यहाँ पर शरीक होते हैं और हमारे जो हम जो तन मन धन से हम लोग इनके साथ हैं, किसी भी तरीके से हमारा सहयोग जो पड़ता है हम अपने सुचारू रूप से निभाते हैं। जो अखाड़ा है इन्होंने शुभारंभ किया है, इस अखाड़े में लगभग जो युवा हैं जो क्योंकि जिम जा रहे हैं तमाम जगह जाने की अखाड़े की जो नींव है वो वर्षों से चली आ रही है, कितना फ़ायदा होगा इसमें? पहले हमने पहले घोषणा की थी यहाँ के संत महात्मा जो महामंडलेश्वर ने, इसमें गुरुकुल भी मनाया जाएगा और गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी और ऐसे स्वास्थ्य के लिए भी कुछ उन्होंने प्रबंध किए थे, जो कि ये एक बहुत बड़े के अपना संदेश जाएगा कि पशुपति जो अखाड़े के जो संस्थापक हैं हमारे आदित्य जी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान के अंदर मैसेज जाएगा और हम समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर ये पशुपति अखाड़े जो समिति जो काम कर रही है इसी तरह से सुचारू रूप से चलती रहेगी। सबसे अच्छी बात ये रही आपको कि आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी नाम पशुपति पारस है, इस अखाड़े का नाम पशुपति पारस पशुपति के नाम से रखा हुआ है, तो ये ज़्यादा सराहनीय है। नहीं, दिल्ली के अंदर हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, हमने एक पार्टी का भी प्रोग्राम रखा था जिसमें यहाँ के मंडले महामंडलेश्वर जी, आदित्य पशुपति जी और यहाँ के तमाम संत महात्मा वहाँ पहुँचे थे, जो कि हमारे पशुपति पारस जी ने सबको आदर सम्मान किया था, सबको शुभकामनाएं दी थी और उन्होंने इस बात के लिए सबको आग्रह किया था कि हमारा जो भी यहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग पशुपति अखाड़े के हम साथ हैं और इन लोगों के संत महात्माओं के साथ हमेशा तन मन धन सब लोग साथ। क्या कुछ कहेंगे सर, पशुपति अखाड़े का आज शुभारंभ हुआ है, इससे एक साल पहले यहाँ शिलान्यास हुआ था? दरअसल पशुपति अखाड़े का ये शुभारंभ नहीं है, पशुपति अखाड़ा सदियों से नेपाल में कार्यरत था, जब से गुरुजी ने वहाँ की गद्दी संभाली थी उसके बाद भारत में ये शुरुआत की गई थी और करीब 3 साल पहले हमने इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ भारत में कराया था और ये जहाँ पे हम खड़े हैं इसका पिछले वर्ष जो है भूमि पूजन हुआ था, जनवरी में ये इमारत बननी शुरू हुई थी और आज यहाँ पर गुरु
पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा गया है। लगभग कितने पशुपति अखाड़े अभी तक बन चुके? करीब चार। चार क्या मतलब? चार इसके संस्था के क्या कह लो, बेंच हैं वो। एक नेपाल में मेन, दूसरा यहाँ, तीसरा हरिद्वार में और चौथा वृंदावन। किस तरीके से काम करता है पशुपति अखाड़ा? पशुपति अखाड़ा दरअसल ऋषि परंपरा से लोगों को दीक्षा देता है और जीवन सुखमय है उस चीज के विषय पे काम करता है। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।